नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में रोहतक के किसानों ने शुक्रवार को 11:30 बजे से 1 बजे तक मकडौली टोल फ्री रखा। पुलिस के आगे वाहनों को बिना किसी टोल फीस देने गुजारा गया। एक दिन पहले किसानों के चढ़ूनी गुट ने मकडौली टोल 2 घंटे फ्री करने का फैसला लिया था। इसी के चलते भारी संख्या में पुलिस टोल पर तैनात हो गई। करीब 11 बजे किसान गोहाना रोड के पास मौजूद मकडौली टोल पर पहुंचे और टोल फ्री करने की घोषणा की। पुलिस से किसानों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध कर रहे हैं, इसी के चलते टोल फ्री करने का फैसला लिया गया है। मौके पर मोनिका सिसरौली, गीता अहलावत, राकेश रैणकपुरा रोहतक, सुदीप कलकल अशोक जसिया, रामफूल हुड्डा खिड़वाली के साथ 50 से 60 मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने भी पहलवानों के साथ सख्ती की, जिसके बाद विरोध बढ़ा और पहलवानों ने देशवासियों से आह्वान किया कि वो समर्थन में खड़े रहें। गीता अहलावत ने कहा कि जंतर मंतर पर 2 खिलाड़ियों को चोट लगी हुई है। धरना स्थल पर पानी भरने की वजह से खिलाड़ी चारपाई पर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि जब ये पहलवान मेडल लेकर आते हैं तो नेता शुभकामनाएं देते नहीं थकते, लेकिन अब इन पहलवानों के साथ इस तरह बर्ताव किया जा रहा है। इसके बाद करीब 1 बजे टोल चालू कर दिया गया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।